नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। कल भारतवर्ष में यानी 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का विधान है। बसंत पंचमी का त्यौहार पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई बड़े राष्ट्रों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो माघ का महीना पूरा उल्लास भरा होता ही है, लेकिन बसंत पंचमी का जो पर्व है वो भारतीय जनजीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। इस दिन शिक्षाविद जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है भारतीय संस्कृति में, वो माँ शारदा की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें और ज़्यादा विद्यावान बनाए। जिस प्रकार सैनिक के जीवन में उसके लिए उसके शस्त्र और विजयादशमी का महत्व है, जिस प्रकार व्यापारी के जीवन में उसके बही खातों का, बाट का, तराजू का और दीपावली का महत्व है, जिस प्रकार विद्वान का उसके जीवन में उसकी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का महत्व है, ठीक उसी प्रकार जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गायन है, संगीत है और भी इस तरह के विभिन्न वर्ग के शिक्षार्थी जो हैं और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन वो माँ शारदा की, माँ सरस्वती की पूजा करके अपनी विद्या को और ज़्यादा ऊपर लाने के लिए और ज़्यादा विद्यावान होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस क्षेत्र में सफलता के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता ने शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती वाजे भीर जिनीवती धीना मणि त्रयवतु, अर्थात
ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। अभी जो हमने आपको कहानी सुनाई, ऐसा बसंत पंचमी के संदर्भ में उपनिषदों में उल्लेख मिलता है। इस बार बसंत पंचमी पे त्रिवेणी योग बन रहा है। हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताते हैं, जो कि 5 फरवरी को सुबह 3:47 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन रविवार 6 फरवरी को सुबह 3:46 तक रहेगी। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और पूर्वाहन से पहले की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 12:35 यानी 5:28 तक का रहेगा। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का महत्व इस नज़र से और भी बढ़ जाता है कि जब बालक के जीवन में उसकी स्कूली शिक्षा प्रारंभ की जाती है, जब उसे विद्या के लिए उसकी पढ़ाई शुरू की जाती है, तो उसका जो विद्या आरंभ संस्कार होता है, उस संस्कार के लिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे लोग अपने घरों का, जो नए घर में प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और पूरे देशवासियों को DRV न्यूज़ की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।